सिंगाना सर्किल पर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी से रंगदारी मांगने वाला आरोपी सचिन एक दिन के पीसी रिमांड पर। सिंगाना सर्किल पर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार आरोपी सचिन सराय को खेतड़ी नगर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां पर एक दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया। थाना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि सिंगाना सर्किल पर विपुल एजेंसी के मालिक मनीष चौधरी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश सचिन सराय को खेतनगर पुलिस और जीएसटी टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अजमेर से गिरफ्तार किया, जिसको मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर अन्य मामलों पूछताछ के लिए एक दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया। सीएचसी का बीसीएमएन किया औचक निरीक्षण, एमएनडीवाई एमएनजेवाई की प्रगति रिपोर्ट को लेकर की चर्चा। सिंघाना के सरकारी अस्पताल का बीसीएमओ जयवीर सिंह ने औचक निरीक्षण किया। बीसीएमओ के नेतृत्व में आई 3 सदस्यों की टीम, धर्मवीर मलिक, राजकुमार भास्कर सदस्यों की टीम ने सरकारी अस्पताल में पहुंचकर जांच की। सर्वप्रथम उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, इसके साथ ही लेबर वार्ड, सामान्य वार्ड, महिला वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में जाकर मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। राज्य सरकार की चिकित्सा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के बारे में भी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी से जानकारी जुटाई। निरीक्षण में ही औषधि भंडार में दवाई की उपलब्धता के बारे में जांच की। इस अवसर पर अस्पताल में सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही एमएनजेवाई योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलने की बात कही। बीसीएमओ डॉक्टर जयवीर सिंह ने बताया कि योजना का आमजन तक लाभ पहुँचे इसके लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। ढाणा के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस। सिंगाना के अंतर्गत ढाणा की ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में धूमधाम से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम बालिकाओं की तिलक लगाकर प्रार्थना सभा में स्वागत कर किया गया, जिसमें बालिकाओं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक सुव्यवस्थित समाज की व्यवस्था करने का नारा दिया। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के संस्थापक धर्मपाल रावत ने बताया कि बेहतर राष्ट्र की कल्पना सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं से ही कर सकते हैं। आज संसार में बालिकाएं अंतरिक्ष से लेकर विज्ञान व प्रौद्योगिकी में अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। इस मौके पर अध्यापक राकेश गुर्जर, विद्याधर रोडासर, राजेंद्र रावत व अध्यापिका निकिता पिंकी राजेंद्र रावत ने बालिका दिवस पर अपने व्याख्यान व्यक्त किए। इस दौरान विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजन किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं धर्मपाल रावत ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सिंगाना ढाणा की तरफ से आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना करो। सभी को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सिंगाना की तरफ से राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर स्कूल परिसर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ विद्यार्थियों को भी दिलाई गई। चारावास में सांसद नरेंद्र खेसड़ ने परीक्षा पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुउद्देशीय योजना की परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत चारावास स्थित सरस्वती शिक्षण संस्थान में परीक्षा पर चर्चा व आर्ट और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद नरेंद्र खेसड़ ने विद्यार्थियों से परीक्षा को लेकर विषय वार्तालाप की। अध्यक्षता संस्था निदेशक अशोक दादीज ने की। सांसद नरेंद्र खेसड़ ने इस दौरान विद्यार्थियों को भी संबोधित किया। खेतड़ी में खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों की आम सभा। समाज सेवी मनोज गुमरिया के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। खेतड़ी क्षेत्र में शीतलहर से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने समाज सेवी व युवा नेता मनोज गुमरिया की ओर से किसानों की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मनोज गुमरिया के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि खराब हुई फसल की गिरदावरी सही तरीके से करवाने व प्रति बीघा 10,000 रुपये मुआवजा किसानों को देने की मांग की। इस मौके पर आम सभा को संबोधित करते हुए मनोज गुमरिया ने कहा कि इस बार सर्दी का प्रकोप अधिक होने से किसानों की फसलों में काफ़ी खराबी हुई है।